दोस्तों नमस्कार। मैं आपको हिंदी कविता की एक अत्यंत दिलचस्प यात्रा पर ले चल रहा हूँ। इसमें निराला भी हैं और नागार्जुन भी, अज्ञेय भी हैं और मुक्तिबोध भी, श्रीकांत वर्मा भी हैं और अशोक वाजपेयी भी, और हैं बहुत सारे आधुनिक कवि जिन्होंने हमारी काव्य भाषा तथा संवेदना का निर्माण किया। वो भाषा और संवेदना जिस पर आज की हिंदी कविता खड़ी नज़र आती है। ये हिंदी कविता की पिछले 70 सालों की यात्रा तो है ही, ये कविता के बहाने देश की 70 सालों की यात्रा पर एक नज़र भी है। ये यात्रा कवियों के आत्मसंघर्ष की तलाश है, उनकी कविता के मुहावरे, शब्द और कहन की तलाश है, और सबसे अधिक कविता की आंतरिक लय की तलाश है। आज की कविता 20वीं सदी का अंजाम और नई सदी का आगाज़ देख रही है। कविता देख रही है कि इन वर्षों में झूठ, नाइंसाफी, पाशविकता और पीड़ा देने वाले कितनी तरह के नए यंत्र ईजाद हुए हैं। घटनाएं घटनाओं की तरह नहीं, हादसे हादसों की तरह नहीं, सब कुछ भीषण रूप से भव्य, लुभावना और उन्माद भरा, सब कुछ बेहद तात्कालिक और क्षणिक, सब कुछ बेहद आक्रामक और संवेदना विहीन। हर तरफ एक झूठा सच और इस सच को दिखाने के लिए एक पूंजी, एक बाजार। कविता पूछती है कि मनुष्य के इतिहास में क्या सच कभी इतना निर्वैयक्तिक, इतना निरपेक्ष, इतना कल्पना विहीन, इतना पीड़ा रहित, इतना आसान था? वो कौन सा सच है जिसे एक सहता है और दूसरा सिर्फ देखता है? वो कौन सा सच है जो सिर्फ एक दृश्य बना रहता है, अनुभव नहीं बन पाता? गनीमत है कि कवि आज भी मानता है कि कविता इस संसार के बारे में एक संज्ञान, एक मुक्ति, एक ताकत और एक समर्पण है। वो अब भी दुनिया का विवरण देती है और एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाना चाहती है। वो इस दुनिया को खोलती है और एक दूसरी दुनिया बन जाना चाहती है। वो यात्राओं पर निकल जाने का निमंत्रण भी है और घर लौटने की तड़प भी। तो मित्रों, इस कविता यात्रा की शुरुआत हम महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता से करते हैं। कई मायनों में निराला को आधुनिक हिंदी कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। वे नई कविता तथा नवगीत दोनों के ही जनक माने जाते हैं। निराला ने कविता और विचार दोनों में ही स्थापित परंपराओं को तोड़ा। नव मानवतावाद के समर्थक निराला की कविताओं में मनुष्य वीर क्रांतिकारी योद्धा भी है और निरंतर संघर्षशील ग्लानी और पराजय से पीड़ित साधारण मनुष्य भी। निराला सौंदर्य उल्लास के कवि हैं तो दुख और मृत्यु के भी। तो आइए सुनते हैं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसी कविताओं के समर्थ कवि निराला की एक बेहद लोकप्रिय कविता, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन मद भरा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो धुनकी हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। तोड़ती
चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लो, रोई जो धुन की हुई वो। उठी झुलसाती हुई लो, रोई जो धुन की हुई वो। गर्द जिंदगी छा दोस्तों, ये थी निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर। इसे संगीत दिया था हमारे मित्र संतोष कौशिक ने, संगीत संयोजन किया था धर्मेश ने, और इसे गाया था भारत भवन से जुड़े प्रख्यात नाट्यकर्मी उमेश तरकसवार ने, और मंच पर प्रस्तुत किया था मनोज नायर ने। अब कविता यात्रा के दूसरे कवि एक ऐसे कवि हैं जिनका नाम ही यात्री था। हिंदी में नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध कवि का नाम कबीर, भारतेंदु और निराला के साथ लिया जाता है। उनका मैथिली नाम यात्री उनके जीवन का संचालन सूत्र भी रहा। उनकी यात्राओं और फक्कड़पन ने उनकी कविताओं को अजब रवानगी प्रदान की। नागार्जुन आधुनिक हिंदी के प्रमुखतम कवियों में से एक तो हैं ही, उन्होंने मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में भी उतनी ही समर्थ काव्य रचनाएँ दीं। यहाँ प्रस्तुत है क्रांतिकारी चेतना के कवि नागार्जुन की एक प्रसिद्ध रचना, अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। आइए सुनते हैं अकाल और उसके बाद।
दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक चूल्हा रोया। कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक चूल्हा रोया। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कविता यात्रा की शुरुआत हिंदी कविता के दो महाकवियों से निराला और नागार्जुन के साथ। आपने कविताएं सुनी, आपने उनके दृश्य देखे और किस तरह वो कविता आप तक पहुंचती है ये महसूस किया। मित्रों, कविता यात्रा का एक लक्ष्य कविता में आंतरिक लय की तलाश करना भी है। ऐसा नहीं है कि मुक्त छंद में लिखी कविता में लय नहीं होती, संगीत नहीं होता। निराला की कविता को सुनते हुए, उस पर बात करते हुए हमने देखा कि उनकी मुक्त छंद की कविता में लय किस तरह विन्यस्त रहती है। इस संबंध में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक पते की बात कही है। उन्होंने कहा, मेरी कविता की लय मेरी बोलचाल की लय से तय होती है। आइए अब हम चलते हैं हिंदी कविता के एक और प्रमुख हस्ताक्षर अज्ञेय की ओर और पहले सुनते हैं उनकी एक कविता जो शायद मेरी इस बात को पुख्ता भी करेगी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार, चिड़िया से थोड़ी सी मिठास दोगी उधार। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी तिनके की नोक भर, शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओक भर। मैंने आकाश से मांगी आँख की झपकी भर असीमता उधार, सबसे उधार मांगा सबने दिया यूँ मैं जिया।
तो अगे ने, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था, अपने विचारों और अपने साहित्य से हिंदी लेखकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया, कई विवादों को जन्म दिया, कई स्थापनाएं दी। सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से, जिसमें उन्होंने हिंदी के साथ प्रमुख कवियों को रेखांकित किया था, हिंदी कविता में एक नई शुरुआत की जो दूसरे और तीसरे सप्तक तक जारी रही। तार सप्तक के अपने वक्तव्य में वे कहते हैं, काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि धर्म इसी परिभाषा से निकलते हैं। शब्द का ज्ञान, शब्द की अर्थवत्ता की सही पकड़ ही कृतिकार को कृति बनाती है। ध्वनि, लय, छंद आदि के सभी प्रश्न इसी में से निकलते और इसी में विलय होते हैं। इतना ही नहीं, सारे सामाजिक संदर्भ भी इसी में से निकलते हैं। यहाँ प्रस्तुत है उनकी कविता मैं मिट्टी का दीपक से कुछ अंश। मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूँ उसमें जलने का तेल। मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूँ उसमें जलने का तेल। मैं ही हूँ दीपक की बत्ती, कैसा है ये विधि का खेल। तुम हो दीप शिखा, मेरे उर का अमृत पी जाती हो। जला जला कर मुझको ही तुम अपनी दीप्ति बढ़ाती हो। मैं मिट्टी का दीपक। मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूँ उसमें जलने का तेल। मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूँ उसमें जलने का तेल। मैं ही हूँ दीपक की बत्ती, कैसा है यह विधि का खेल। मैं ही हूँ दीपक की बत्ती, कैसा है यह विधि का खेल। तुम हो दीप शिखा, मेरे उर का अमृत पी जाती हो। जला जला कर मुझको ही अपनी तुम दीप्ति बढ़ाती। तुम हो प्रलय ही लोर, तुम ही हो घोर प्रभंजन झंझावात। तुम हो प्रलय ही लोर, तुम ही हो घोर भंजन झंझावात। तुम ही हो आलोक स्तंभ, कर देती हो आलोकित रात। तुम ही हो आलोक स्तंभ, कर देती हो आलोकित रात। मैं छोटी सी तरणी सा तेरी लपेट में बहता हूँ, फिर भी पथ दर्शन की आशा से चोटें सब सहता हूँ। फिर
फिर भी पथ दर्शन की आशा से चोटें सब सहता हूँ। तो दोस्तों, अभी अभी आपने अज्ञेय की कविता मैं मिट्टी का दीपक सुनी। इसे संगीत दिया था हमारे मित्र संतोष कौशिक ने और आवाज़ भी उन्हीं की थी। इस तरह मंच पर कविता का प्रस्तुत होना उसके कई नए अर्थों को खोलता है। अब आइए हम चलते हैं एक और बहुत बड़े कवि जिन्होंने अपनी एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में तार सप्तक का प्रकाशन एक बड़ी घटना माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित इस काव्य संग्रह के पहले कवि थे गजानन माधव मुक्तिबोध। कविता के बारे में उन्होंने लिखा है, मैं कलाकार की माइग्रेशन इंस्टिंक्ट पर बहुत जोर देता हूँ। आज के विविध और उलझन भरे रंग बिरंगे जीवन को यदि देखना है तो अपने व्यक्तिगत क्षेत्र से एक बार तो उड़कर बाहर जाना ही होगा। बिना उसके इस विशाल जीवन समुद्र की सीमा और उसके किनारे आँखों की ओट ही रह जाएंगे। मुक्तिबोध की हर इमेज के पीछे एक शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। विशिष्ट बिंब, बल्कि उससे भी अधिक विशिष्ट प्रतीक लाते हैं। नई मानवता का समग्र आह्वान उनकी शब्दावली को उत्तेजना से भर देता है। मुक्तिबोध की लंबी कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य को उनकी विशिष्ट देन हैं। प्रस्तुत है उनकी कविता बबूल से कुछ अंश। एक चित्र आता आँखों के सम्मुख कोमल तैर तैर कर, एक गांव है वहाँ नदी है, नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं, हरे भरे वे श्यामल श्यामल, जिनमें छिपी छिपी फिरती है लाल ओढ़नी, मुँह की श्यामल चमक सुरीली। आइए देखते हैं और सुनते हैं मुक्तिबोध की कविता बबूल के कुछ अंश। Mm-hmm.
साथ साथ मेहनत के पुतले, शोषण हतकम खाने वाले दुख के स्वामी। अभी शांत वे काले काले हाथ व्यस्त हैं, अभी शांत वे काले काले हाथ व्यस्त हैं, रिक्त पेट की आंखों में, रिक्त पेट की आंखों में दुख का प्रभाव है। जिनकी बेबस कर्मशीलता ने युग युग के गौर कपोलों में लाली की मदिरा भर दी, गौर कपोलों में लाली की मदिरा भर दी। आह त्याग की उत्कट प्रतिभा, थोड़ी महतो थोड़ी धनिया जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं अब भी अपने खेतों में, काम कर रहे हैं अब भी अपने खेतों में। उनकी श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा, भयंकर वज्र बनेगा, भयंकर वज्र बनेगा, भयंकर। मित्रों, हमने आज की इस कविता यात्रा में हिंदी कविता के दो और बहुत महत्वपूर्ण कवियों को सुना। अज्ञेय और मुक्तिबोध हमारी इस काव्य यात्रा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। मजे की बात यह है कि इन्होंने गद्य में भी बहुत अच्छा काम किया और इनका गद्य भी उतना ही लोकप्रिय हुआ जितना कि इनकी कविताएँ थीं। शेखर एक जीवनी जो अज्ञेय का महत्वपूर्ण उपन्यास था, उसने बहुत से लोगों को संस्कारित किया, बहुत से लोगों की गद्य भाषा को संस्कारित किया। मुक्तिबोध ने आलोचना में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, कामायनी की उनकी समीक्षा, आलोचना की समस्याएं, एक साहित्यकार की डायरी जैसे बहुत सारी किताबें हैं जो कि मुक्तिबोध के आलोचनात्मक पक्ष को भी खोलती हैं। अब इस काव्य यात्रा में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं दो और कवियों को प्रस्तुत करूँगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 10 साल 15 साल उम्मीदों के साल थे। हम सबको उम्मीद थी कि देश बहुत आगे बढ़ेगा, कि नई नई प्रगति होगी, हर क्षेत्र में नए काम किए जा रहे थे, वो उद्योग हो, वो आर्थिक स्थिति हो, वो साहित्य हो, वो संगीत हो, एक उम्मीदों से भरा जगमग देश हमारे सामने था। साहित्य में भी बहुत सारे नए काम उस समय हुए, नई कविता और नई कहानी का आंदोलन लगभग उसी समय सामने आया था। ये बात भी सच है कि उसी समय बंटवारे की एक कसक भी सबके मन में थी और परिवार अलग अलग हो रहे थे, स्त्री पुरुष संबंध अलग हो रहे थे, नई तरह के उद्योग, नई तरह के धंधे सामने आए थे, तो इस सब का प्रभाव साहित्य पे पड़ता दिखता था। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन 1960 के बाद आता है, जब 1962 के युद्ध में भारत विजय नहीं प्राप्त कर पाता, जब हमारे देश में कई संस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह लगने खड़े होते हैं, जब हमारे देश के कई परंपराओं और पुराने प्रतीकों पर प्रश्नचिन्ह खड़े करना कवि लेखक साहित्य शुरू करते हैं। ऐसे ही समय में रघुवीर सहाय हमारे बीच में लिख रहे थे। रघुवीर सहाय की खासियत ये थी कि वो पत्रकारिता के विश्व से आते थे, वो दुनिया को देखने की नई दृष्टि रखते थे और उन्होंने एक ऐसी भाषा ईजाद की जिसने आगे चलकर बहुत से कवियों को प्रभावित किया। रघुवीर सहाय की एक कविता है, सबसे बड़ा प्रश्न है योजना आयोग में पहले पंडे या पहले क्रांति या पहले कवि, पहले स्वागत समिति, पहले ढोल ताशा, टमटम, राष्ट्रपति,
खौफनाक दर्दनाक उपमाएं लिए हुए राजनीति के लिए कुकुआते राजकीय, बाद में महंगी मचलती महिलाओं से रमणीय ये विरोध, दरवाजे जा बैठा सुबह सुबह 8 बरस का लड़का काला दुबला ऊंचा सुनता है। तो ये वो समय है जब परंपराओं पर और बहुत सारी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और रघुवीर साय इसके प्रतीक के रूप में उभरते हैं। आगे चलकर लगभग 2 दशकों तक रघुवीर साय का प्रभाव हमारे कविता में देखने मिलता है। उपरोक्त पंक्तियाँ जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, ये रघुवीर साय का काव्य व्यक्तित्व दिखाती हैं। रघुवीर साय के काव्य व्यक्तित्व में राजनीति और साहित्य, कविता और पत्रकारिता एक ऐसा संश्लिष्ट स्वरूप पेश करते हैं जिसकी वानगी कम ही कवियों में देखने मिलती है। इस दुनिया को बनाने और बिगाड़ने वाली शक्तियों को पहचानना, उनसे तनाव के, विरोध के, लगाव और उदासीनता के संबंध बनाने का काम रघुवीर साय की कविता करती है। अपनी कविता के बारे में वे कहते हैं, अक्सर मुझे एक तीखा एहसास साहित्य के बारे में दोबारा सोचने को मजबूर करता है कि क्या आज हम यानी साहित्यकार अपनी उस खास दुनिया से बेगाने नहीं होते जा रहे हैं जिसमें रहकर हम दुनिया वालों की दुनिया में एक खास ढंग से हिस्सा लेते हैं और फिर एक खास ढंग से ही उससे अलग हो जाते हैं। वह हमारी खास दुनिया या तो नकली उदासीनता से या सतही दिलचस्पी से कमोबेश छिन्न भिन्न हो चली है। अगर कोई चीज़ उसे संभाले हुए है तो वो ये जिद है कि साहित्य की आज भी एक दुनिया है, साहित्यकार की आज भी एक दुनिया है और साहित्यकार की अपनी एक जिंदगी है। रघुवीर साय का एक कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसका नाम था आत्महत्या के विरुद्ध। उसी में से अब हम एक कविता पेश करने जा रहे हैं। कविता का नाम है अधिनायक। उसकी चंद पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरणा गाता है। आइए सुनते हैं ये कविता। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरणा गाता है, गुण हर चरणा गाता है। राष्ट्रगीत में
तो मित्रों, ये थी रघुवीर साय की कविता अधिनायक। इसे संगीत दिया था संतोष कौशिक ने और संयोजन किया था उमेश और धर्मेश ने। आपने देखा कि ये बहुत ही अलग प्रयोग के साथ मंच पर प्रस्तुत की गई। ये वो समय है जब हमारे यहाँ प्रगतिशील कविता और प्रगतिशील धारा की कविता अपने शबाब पर थी। हिंदी की प्रगतिशील कविता परंपरा में केदारनाथ अग्रवाल का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। केदार जी धरती के कवि हैं, खेत खलियान कारखाने और कचहरी के कवि हैं। इनकी पीड़ा दुख दर्द संघर्ष और हर्ष के कवि हैं। वे पीड़ित और शोषित मनुष्यता के पक्षधर हैं। वे कविता में मनुष्य तथा मनुष्यता की तलाश के कवि हैं। वे मनुष्य बनना चाहते हैं, देवत्व उनकी कामना नहीं है। यहाँ प्रस्तुत है उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता मजदूर का जन्म। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, हाथी सा बलवान जहाजी हाथों वाला और हुआ, सूरज सा इंसान तरेरी आँखों वाला और हुआ, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। आइए सुनते हैं प्रगतिशील धारा के एक बड़े कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता मजदूर का जन्म। एक हथौड़े वाला घर में और हुआ, थे रघुवीर सहाय और केदारनाथ अग्रवाल। ये उस दशक के कवि हैं जिसे हम अपने देश में हलचल का दशक कह सकते हैं। वो युद्धों का दशक है, वो पुरानी मान्यताओं के टूटने का दशक है, वो पुरानी परंपराओं पर सवाल खड़े करने का दशक है। इसके प्रतिनिधि कवि थे रघुवीर सहाय, जिन्होंने एकदम बिल्कुल नई चलती हुई भाषा का जन्म दिया, भाषा को जन्म दिया, जिसने हमारे बहुत सारे कवियों को प्रभावित किया। इस दशक के बाद हम एक अराजक दशक में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर अकविता है, अकहानी है, भूखी पीढ़ी की बात है, और ये सारे लोग एक अलग तरह की कविता और कहानी में प्रवेश करते हैं। 60 के दशक की इस अराजकता का एक प्रतिवाद
प्रेम कविता से किया गया और इसके शीर्ष कवि थे अशोक वाजपेयी। अशोक जी अपने आप में एक बड़े आलोचक भी हैं। हिंदी कविता को समझने और सराहने का काम जिन आलोचकों की मदद से हो सका उनमें निश्चय ही अशोक वाजपेयी जी का नाम अगली पंक्ति में रहा है। जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण आदि के विश्लेषण के माध्यम से अशोक जी ने हमारे आज की कविता के सभी केंद्रीय सरोकारों, उसकी समझदारी, आपसी कलह, आपसी बातचीत, उसकी प्रासंगिकता को स्पष्टता, निर्भीकता और जिम्मेदारी के साथ निभाया है। उनके बड़े काम कविता में भी हैं, आलोचना में भी हैं, संपादन में भी हैं और अनुवाद में भी हैं। फिलहाल शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह जैसी उनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ उन्हें कबीर सम्मान और भारत भारती सम्मान से भी नवाजा गया। यहाँ प्रस्तुत है उनकी एक प्रेम कविता। आओ जैसे अंधेरा आता है अंधेरे के पास, जैसे जल मिलता है जल से, जैसे रोशनी घुलती है रोशनी में। आइए सुनते हैं अशोक वाजपेयी की कविता। ऊपर धूप है नीचे धूल है, बाबर का घोड़ा चलने में मशगूल है, समरकंद अब कितनी दूर है। श्रीकांत वर्मा की कविताएं प्रतीकों, चिन्हों और मिथकों को
एक दूसरे के विरुद्ध स्थापित कर नाटकीयता उत्पन्न करती हैं। नाटकीयता भी एक तरीका था जिससे 60 के दशक की कविता को एक दिशा मिली। वे मनुष्य की लाचारी, डर और करुणा को रेखांकित करती हुई मनुष्य की आज़ादी के प्रश्न को उठाती हैं। समकालीन मनुष्य की नियति की परिभाषा के लिए श्रीकांत की कविताएं पौराणिक प्रतीकों, घटनाओं और शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। इस कविता यात्रा में प्रस्तुत है उनकी ऐसी ही कविता कलिंग। केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं। केवल अशोक सिर झुकाए हुए है और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। केवल अशोक लौट रहा है। आइए सुनते हैं श्रीकांत वर्मा की कविता कलिंग। कविता के परिदृश्य में अब केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण प्रवेश करते हैं। केदारनाथ सिंह ने कविता के बारे में कहा है, कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूँ बिंब विधान पर।
बिंब विधान का संबंध जितना काव्य की विषय वस्तु से होता है उतना ही उसके रूप से भी। विषय को वह मूर्त और ग्राह्य बनाता है और रूप को संक्षिप्त और दीप्त। चित्रों के प्रति मेरे मन में जो आकर्षण है उसके कुछ कारण हैं। प्रकृति बहुत शुरू से ही मेरे भावों का आलम बन रही है। मेरा घर गंगा और घाघरा के बीच में है। मेरे भीतर भी कहीं गंगा और घाघरा की लहरें बराबर टकराती रहती हैं। मुझे सबसे प्रिय है कविता, संगीत और अकेलापन। यहाँ प्रस्तुत है केदारनाथ सिंह की कविता 2 मिनट का मौन। भाइयों और बहनों, ये दिन डूब रहा है, इस डूबते हुए दिन पर 2 मिनट का मौन। जाते हुए पक्षी पर, रुके हुए जल पर, घिरती हुई रात पर 2 मिनट का मौन। आइए सुनते हैं 2 मिनट का मौन। ये दिन डूब
हमारी इस यात्रा के अंतिम कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण व्यापक अर्थों में कविता को जीवन की आलोचना मानते हैं। उनके लिए जीवन से संपर्क का अर्थ केवल अनुभव मात्र नहीं बल्कि अनुभूति और मनन शक्ति भी है, जो अनुभव के प्रति तीव्र और विचारपूर्ण प्रतिक्रिया कर सके। वे मानते हैं कि कोई अनुभव तभी सार्थक माना जाएगा जब वो किसी महत्वपूर्ण परिणाम में बदले, और ये बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संभव नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका अभिप्राय उस सहिष्णु और उदार मनोवृत्ति से है जो जीवन को किसी पूर्वग्रह के आधार पर नहीं देखती बल्कि उसके प्रति एक बहुमुखी खुलापन रखती है। वे कहते हैं कि कलाकार और वैज्ञानिक के लिए जीवन में कुछ भी अग्राह्य नहीं, उसका जिज्ञासु स्वभाव बराबर सोचता विचारता रहता है। खोज की ये रोमांचकारी प्रवृत्ति कवि को अज्ञात के विराट व्यक्तित्व में भटकाती रहती है। वो किसी भी सत्य को अंतिम सत्य न मानकर अगले सत्य तक पहुंचने का साधन मानता है, और इस तरह जीवन में विकास की संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। वे कहते हैं कि जीवन के इस बहुत बड़े कार्निवाल में कवि इस बहुरूपे की तरह है। वे कहते हैं कि जीवन के इस बहुत बड़े कार्निवाल में कवि उस बहुरूपे की तरह है जो हजारों रूपों में लोगों के सामने आता है और हर रूप में जीवन की एक अनुभूत व्याख्या करता है। यहाँ प्रस्तुत है उनकी ऐसी ही एक मार्मिक कविता, घर रहेंगे। घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। आइए सुनते हैं कुंवर नारायण की ये बहुत ही मार्मिक कविता, घर रहेंगे।
तो मित्रों, ये था भारतीय हिंदी कविता का बहुरंगी संसार, लगभग 50 सालों की कविता यात्रा, लगभग 50 सालों की देश की यात्रा। ये यात्रा यहाँ रुकती नहीं है, ये 80 के दशक के कवियों से होते हुए हमारे आज के एकदम नए कवियों तक आती है, जो अनेकानेक तरह से, जो अनेकों तरह से अपने विश्व को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अनेकों तरह से यथार्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो अनेकों तरह से यथार्थ के साथ अपने आप का संबंध स्थापित कर रहे हैं, और वो भी एक बहुत ही नवीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विविध किस्म की कविता है। तो आइए भारतीय हिंदी कविता के इस विविध वर्णी संसार में प्रवेश करें, हमारी पूरी परंपरा के साथ, हमारी भाषा को देखते हुए, हमारी कविता की परंपरा को देखते हुए। आइए हम एकदम नए कवियों तक आएं और उनका भी अध्ययन करना शुरू करें। तो आपका स्वागत है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।